तो भविष्य में घुटनों के ऑपरेशन से बचने के लिए डाइटिंग नहीं बल्कि पेट भर के प्लेट भर के भोजन जरूर करें। घुटनों और शरीर के दूसरे जॉइंट के आसपास की मसल और टेंडन्स को मजबूत करने के लिए पेट भर के प्लेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के प्लेट भर के लंच और डिनर जरूर खाइए। साथ ही रात का खाना भी भरपेट खाएं और रात के खाने को भी स्किप ना करें। घुटनों का दर्द आजकल महिलाओं को बहुत ही कम उम्र में होने लगा है। जरूरत से कम खाने से, फास्टिंग करने से, डाइटिंग करने से, भूखे रहने से, कम खाकर ज्यादा एक्सरसाइज करने से एक्चुअली तो दर्द शुरू हो जाता है। बस यहीं से घुटनों के कार्टिलेज की घिसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कुछ ही सालों के बाद नी सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो आइए जानें कि नी पेन क्यों होता है, नी पेन को कैसे कम करें और इसकी सर्जरी से कैसे बचा जा सकता है। तो डिलीवरी के बाद या मां बनने के बाद थोड़ा सा वजन तो बढ़ ही जाता है और थोड़ी सी टमी भी निकल आती है जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। साथ ही बच्चों में और परिवार में आप इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि काम के चक्कर में भूखा रहना शुरू कर देती हैं। कभी कभी तो ये सोचकर आप लोग कम खाती हो कि कहीं वजन बढ़ जाएगा। तो बस यहीं से शुरू हो जाता है वजन बढ़ने का सबसे पहला कारण और घुटनों के दर्द का या कार्टिलेज घिसने का कारण। तो असल में होता यह है कि जो भोजन आप करते हो उसके पोषक तत्व ब्लड वेसल से या रक्त वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर की सभी हड्डियों तक, मसल्स तक, जोड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं के द्वारा सभी पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन, ये सभी हड्डियों के जोड़ों तक, खासकर घुटनों के जोड़ों तक या टेंडन्स तक या कार्टिलेज तक पहुंचते हैं और उनको मजबूत बनाते हैं। फास्टिंग करने से या बहुत उपवास रखने से या किसी भी मील को स्किप करने से कम खाने की वजह से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, जिससे हड्डियों पर दबाव पड़ता है और वजन बढ़ने लगता है और सूजन भी बढ़ने लगती है। एक तो वैसे ही कम खाना खाने से, भूखे रहने से शरीर को न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, ऊपर से स्वेलिंग और सूजन की वजह से कार्टिलेज को न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बहुत ही कम मिलने लगता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज की थिकनेस कम होने लगती है, बल्कि बहुत कम होने लगती है। और घुटनों के जोड़ों की हड्डियां रगड़ खाने की वजह से बुरी तरह से दर्द करने लगती हैं और कुछ वर्षों के बाद ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो भविष्य में ऑपरेशन से बचने के लिए डाइटिंग नहीं बल्कि पेट भर के प्लेट भर के भोजन जरूर करें। घुटनों और शरीर के दूसरे जॉइंट के आसपास की मसल और टेंडन्स को मजबूत करने के लिए पेट भर के प्लेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के प्लेट भर के लंच और डिनर जरूर खाइए। कोई ग्लूटेन फ्री डाइट ना करें बल्कि गेहूं की रोटी और सफेद चावल खूब खाएं। किसी भी तरीके की कोई फास्टिंग भी ना करें, भूखा रहना या कोई उपवास भी ना करें, क्योंकि भूखा रहने से ही वजन भी बढ़ेगा और शरीर के सभी जॉइंट, सभी मसल्स और आपके बोन्स दिन पर दिन ज्यादा कमजोर होने लगेंगे। डीटॉक्स डाइट के नाम पर केवल स्प्राउट्स और सब्जियां न खाएं बल्कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल जैसा पूरा खाना खाएं, पेट भर के खाएं। साथ ही रात का खाना भी भरपेट खाएं और रात के खाने को भी स्किप ना करें। फिर देखें कि भरपेट खाने का चमत्कार कि कैसे वजन भी कम होता है, साथ ही भविष्य में घुटनों का दर्द और ऑपरेशन से भी बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अनलोड की एक पार्टिसिपेंट मीना जी का अनुभव सुनते हैं, जिनको डॉक्टर ने दी थी सर्जरी की सलाह और साथ ही 10 किलो तक का वजन कम करने के लिए उनको कह भी दिया था। फिर तब उन्होंने अनलोड 90 डेज वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन किया। फिर जैसा उनको मील प्लान में बताया गया था, जैसा उनको मील प्लान दिया गया था, ठीक वैसे ही उन्होंने फॉलो करते हुए भरपेट खाने की शुरुआत भी करी, जिसकी वजह से उनका घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। साथ ही उन्होंने अपने वजन को भी बहुत ज्यादा कम कर लिया। और जब मीना जी कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो भरपेट खाएं, बिंदास खाएं, जी भर के खाएं, प्लेट भर के अपना मन पसंद नाश्ता खाएं और अपना ध्यान रखें। मेरे को पैरों में इतना दर्द था कि मैं अच्छे से चल नहीं पाती थी, मतलब थोड़ी चाल मेरी गड़बड़ा गई थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जनवरी 2022 की बात है। मैं, मेरे पैरों का दर्द एकदम ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। 90 डेज अटेंड करके बहुत ज्यादा खुश हूँ मैम। मतलब एक घंटा मैं ऐसे पड़ी रहती थी कि जैसे शरीर में जान नहीं। और मैम सुबह जैसे मैं नाश्ता करती थी ना, मेरे को इतना मतलब चक्कर टाइप का लगता था। मैं आधा से एक घंटा रेस्ट करती थी तब मैं कुछ कर पाती थी। अब मेरे को प्रॉब्लम 1% नहीं है। मेरे को नहीं मालूम कि चक्कर क्यों आता था, क्यों मेरे को इतनी वीकनेस लगती थी।
बट अभी मेरे को साल भर से ऐसा एक बार भी नहीं। अब सोचिए मेरे लिए कितनी बड़ी बात, इंचीज भी मेरी 6 से 7 इंच गई, वजन भी अच्छा गया है, मतलब पहले का आपका बोलेंगे तो करीब 15 चला गया। साल भर से पूरी बीपी की दवाई नहीं ली मैंने, बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं ली, पूरा 1 साल और 1 महीना हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए।